आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश जी विजन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई। डॉक्टर, भारतीय लोग में हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं? हमारे देश में हार्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें सबसे नंबर वन कॉज है डायबिटीज। 50% हमारे पॉपुलेशन डायबिटीज से है। ये डायबिटीज होती है क्योंकि हम काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, हमारा टबैको कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से। ये मेन चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे देश में और इस साउथ ईस्ट एशिया में हार्ट डिजीज की संख्या बहुत। डॉक्टर, हार्ट डिजीज और डिसलिपिडीमिया के बीच में क्या संबंध है? डिसलिपिडीमिया एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि अबनॉर्मलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी हैबिट से, टबैको कंजम्पशन से और डायबिटीज की वजह से। इसकी वजह से हमारे पास एक यूनिक फॉर्मूला है, एक प्रोफाइल है जिसमें एलडीएल थोड़ा सा ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है और हमारा एचडीएल बहुत कम है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज की संख्या बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, हार्ट डिजीज और एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में क्या संबंध है? वेस्टर्न कंट्रीज में एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है क्योंकि डाइट सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है, उसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में सब नॉन वेज खाते हैं, जिसकी वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है और इससे डायरेक्ट कोरिलेशन है हार्ट डिजीज से, जो कि काफी स्टडीज ने दिखाया कि अगर हम ये कोलेस्ट्रॉल को कम करें दवाइयों से या डाइट से, हार्ट की संख्या कम होती है। और ये अभी हम देख रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। मैनेज योर हेल्थ विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड पीस इन योर हार्ट।